लाखों की लागत से बना रोड और नाला फिर भी जल जमाव, स्कूली बच्चे और मरीज परेशान। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड के अंतर्गत रेफर अस्पताल वार्ड नंबर 16 में 11,92,500 की राशि से बनाया गया, लेकिन महेशराम पंचायत की मुखिया प्रीति कुमारी के द्वारा सरकार के पैसे को गबन कर सिर्फ लीपा पोती किया गया है। बारिश में रोड डूब जाता है, नाले का गंदा पानी बहता रहता है। थोड़ी सी बारिश में रोड पर 3 फीट पानी जम गया है, जिससे कि आने जाने वाले स्कूली बच्चे और रेफर अस्पताल जाने वाले मरीज राहगीर को भी बड़ी मशक्कत के बाद आना जाना पड़ता है। सरकार के राशि का बंदरबाट मुखिया और इंजीनियरिंग के मिलीभगत से हुआ है। जिम्मेदार कौन है, या तो मुखिया प्रीति कुमारी या वरीय पदाधिकारी? अब देखना है कि क्या इस पर वरीय पदाधिकारी की कार्रवाई होती है या सिर्फ लीपा पोती कर फिर उसी तरह उस रोड को पुनः छोड़ दिया जाता है, या जनता फिर उसी पानी से बेबस होकर कराहती रहेगी। भागलपुर पुलिस पर एक बार फिर बर्बरतापूर्वक पिटाई का लगा आरोप, बोले एसपी, दोषी पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई। भागलपुर पुलिस पर एक बार फिर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस ने एक युवक को पकड़कर पिकेट में ले जाकर लाठी डंडे से उनकी जमकर धुनाई कर दी। वहीं आक्रोशित परिजनों ने पिकेट का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की पिटाई से घायल युवक का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक की पहचान इस्माइलपुर गांव के निवासी फूलचंद मंडल के 35 वर्षीय पुत्र झक्सू मंडल के रूप में हुई है। दरअसल नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में पुलिस के द्वारा किसान भवन में एक पिकेट बनाया गया है और वहां पर कुछ पुलिसकर्मी की तैनाती भी की गई है। पिकेट में तैनात पुलिसकर्मी गांव के ही एक चाय दुकान पर चाय पीने के लिए जाते हैं और वहां पर अपना मोबाइल भूल जाते हैं, जिसके बाद जब वे पिकेट के पास पुलिसकर्मी पहुँचते हैं तो वहाँ उनके पास मोबाइल नहीं रहता है और गुस्से में वह आते हैं और चाय के दुकानदार 35 वर्षीय झक्सू की पिटाई कर देते हैं। घटना के बाद उक्त युवक बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद पिटाई की खबर सुनते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हैं और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर इस्माइलपुर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुटी है। घटना की जानकारी नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बीएमपी जवान पर मारपीट करने का आरोप लगा है। एसडीपीओ को जांच का निर्देश दिया गया है। जांच में जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे विधायक अजीत शर्मा। भागलपुर विधायक से बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा आज कुछ नए तेवर में ही दिखे। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा कि यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को धर्म और संप्रदाय को लेकर लड़ाने का काम करती है। विष्णुपद मंदिर में बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इजराइल मंसूरी के प्रवेश पर मचे बवाल पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक जिस भी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं वह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कहीं भी जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाते हुए भाजपा से बेरोजगारी, महंगाई और केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे निजीकरण पर चर्चा किए जाने की बात कही। टीएनबीयू को मिला 67वां स्थायी कुलपति। प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने किया पदभार ग्रहण। पदभार ग्रहण करते ही कई अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जहां महीनों से कुलपति के बाट जो रहा था, आज उसे 67वां कुलपति के रूप में मिल गया है।
बिहार के राज्यपाल से कुलाधिपति श्री फागू चौहान ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 3 साल के लिए अस्थायी कुलपति के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल को नियुक्त किया गया है। आज प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने पदभार ग्रहण किया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में साल भर बाद अब अस्थायी कुलपति मिले हैं। आज प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने पदभार ग्रहण करते ही विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कई बिंदुओं पर वार्ता की। प्रतिकुलपति कुलसचिव प्रॉक्टर ने गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया। कुलपति ने बताया कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि विश्वविद्यालय के लचर स्थिति को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। छात्र अपने डिग्रियों के लिए परेशान हैं, जल्द से जल्द उनके हाथों में डिग्रियां होंगी और शैक्षणिक गुणवत्ता में भी जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के मूलभूत सुविधाओं को भी जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं चलेगी। जब तक मैं यहाँ कुलपति रहूँगा तब तक गुटबाजी करने वालों को मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। प्राथमिकता पर बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएँ समय पर नहीं हो पा रही हैं, सत्र सही समय से नहीं चल रहा है, वेतन को लेकर कर्मचारियों में कई तरह की समस्याएं हैं, छात्र एवं कर्मचारियों से संबंधित जो मामला हो उसका जल्द से जल्द निपटारा करेंगे, चाहे रात दिन विश्वविद्यालय कर्मियों को इसके लिए क्यों ना काम करना पड़े। कुल अंतराल में जो विश्वविद्यालय की गरिमा नीचे हुई है उसको ऊपर करेंगे। लव जिहाद में गई एक युवती की जान, मोबाइल पर हुआ था दोनों में प्रेम, शादीशुदा नैना को गला घोट कर मार डाला सज्जाद ने। भागलपुर के कहलगांव से दिल दहला देने वाला एक जिहाद का मामला सामने आया है। बताते चले कि कहलगांव पूरब टोला के बाबूराम की 18 वर्षीय पुत्री नैना देवी का शव वहीं कहलगांव के मुसहरी टोली के रहने वाले मोहम्मद सज्जाद के घर से बरामद हुआ है। नैना का शव मोहम्मद सज्जाद के घर के चौकी के नीचे अस्त व्यस्त अवस्था में मिला, जिसमें नैना को गला दबाकर मारा गया है। वहीं उनकी माँ का कहना है कि मेरी बेटी को पहले जहर खिलाया गया, उसके बाद गला दबाकर मारा गया है। यह हम लोगों को तब पता चला जब जरा चुनने वाली मेरे घर जाकर कहती है कि आपकी बेटी को बेरहमी से मारा गया है। तब हम सभी मोहम्मद सज्जाद के घर जाकर देखे तो मेरी बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, उसे बेरहमी से इन लोगों ने मारा है। मृत युवती नैना की मां ललिता देवी ने बताया कि मेरी बेटी का 1 महीने पहले ही शादी बटेश्वर नवादा के गौतम कुमार सैनी से हुआ था। वह मात्र 3 दिन अपने ससुराल में रही, उसके बाद वापस मेरे पास आ गई। सरकारी विद्यालय में वह 9वीं की छात्रा थी, उसका स्टाइपेंड मिला था, वह ATM से पैसा निकालने जा रही थी। इसी दरमियान मोहम्मद सज्जाद जो कहलगांव का ही मुसहरी टोला का रहने वाला है उसे बहला फुसलाकर दिल्ली लेकर चला गया और तकरीबन 20 दिनों बाद अपने गांव बुलाया। वहीं उसकी मां ने यह भी बताया कि मेरी बेटी से एक बार मोबाइल पर जब बात हुई थी तो वह रोते तड़पते कह रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। परंतु हम लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहने के चलते दिल्ली जाना मुश्किल हुआ और नतीजन मेरी बेटी को मोहम्मद सज्जाद ने बुरी तरीके से जहर खिलाकर और गला घोटकर मार डाला। वहीं दूसरी ओर उसके भाई ने बताया कि शादी से पहले मोहम्मद सज्जाद और नैना में मोबाइल पर काफ़ी दिनों से बातें हुआ करती थी, शायद काफ़ी दिनों से दोनों में प्रेम प्रसंग था। मैंने कहा भी था कि अंतरजातीय विवाह सही नहीं होगा, परंतु आज उसका नतीजा मैंने देख लिया, आज मेरी बहन मृत मेरे सामने पड़ी हुई है। वहीं उसके भाई ने कहा कि मोहम्मद सज्जाद कोयला चुनकर बेचने का काम करता है और नशे में धुत रहता है। वहीं नैना के पति गौतम कुमार सैनी ने कहलगांव में मोहम्मद सज्जाद के खिलाफ केस दर्ज किया और कहलगांव थाना घटनास्थल पर पहुंचकर मोहम्मद सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया है। परंतु उसकी मां अब भी यही कह रही है कि मेरी बेटी को जो सज्जाद ने मारा है उसका इंसाफ मुझे चाहिए। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन। पटना में निहत्थे छात्रों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज और कार्रवाई के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई ने स्टेशन चौक पर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के पश्चात सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी दहन किया गया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर ने बताया कि आईएएस स्तर के अधिकारी को क्या ये भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया था कि लाठी सर के नीचे के अंगों पर चलाना चाहिए। वायरल वीडियो में जिस प्रकार से एडीएम अधिकारी जानबूझकर एक छात्र को सर पर टारगेट करके मार रहे हैं, ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि वो उनकी जान लेना चाहते थे। इसके बाद जब छात्र ने तिरंगे से अपने सर को ढक लिया तो अधिकारी ने तिरंगे का अपमान करते हुए तिरंगे पर भी लगातार लाठी चलाते रहे। क्या उन्हें तिरंगे का सम्मान करना नहीं सिखाया गया था? ये उनके प्रशिक्षण और राष्ट्रभक्ति के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करती है। इतनी बड़ी घटना होने पर भी सरकार उसके बचाव में लगी हुई है, इससे सरकार की छात्र विरोधी मानसिकता का पता चलता है। ज्ञात हो कि पटना में TET पास अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद इन पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, जो पूरे देश में वायरल हो रहा है। विरोध प्रदर्शन में विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे, नगर मंत्री कपिल शर्मा, रुद्र प्रताप, TNV कॉलेज उपाध्यक्ष दिलीप कुमार, रोहित राज, कुंदन कुमार, शुभम झा, गौतम साहू, देवव्रत सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।